अरे वो क्या बचाएगा, वो तो खुद सिद्धू की हंसी से बचकर यहाँ आ गया है। भैया भैया चला भैया, सतीश जी भाग के आओ, भाग के आओ। वो क्या मेरे से तेज भाग लेगा। बचाओ बचाओ। अच्छा सुनो सुनो, तुमको मेरे लाल जोड़े से प्रॉब्लम है ना, मैं उतार देती हूँ, फिर तो छोड़ दोगे ना। फिर मैं तो छोड़ दूंगा, लेकिन शकील नहीं छोड़ेगा। अरे तुम शकील को कैसे जानते हो? क्योंकि वो भूतनी का है। क्या? मेरी बीवी भूतनी है, वो मेरा बेटा है। मैं तो उसे लेने आया हूँ, वो घर से नाराज होकर यहाँ आ गया है। अच्छा सुनो, मुझे एक बात बताओ, तुम लाल जोड़े वाली दुल्हनों को क्यों मारते हो? ये उन दिनों की बात है जब मेरी शादी हुई थी। सुहाग रात को मेरी दुल्हन भाग गई किसी जवान मर्द के साथ। कौन थी वो? अर्चना जी। हाँ अर्चना जी जानती है वो कहाँ है। अच्छा सुनो, मुझे एक बात पूछूं मैं, तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? अब कौन करेगा मुझसे शादी? सुनो, मैं करूंगी तुमसे शादी। जाने जा। तुमने भूत बन के भी गाना नहीं छोड़ा? गाने का भूत सवार है। अच्छा सुनो सुनो, तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगेगा? नहीं बिल्कुल नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं एकता कपूर के सीरियल में काम करती हूँ। उससे चौथा मैं तुमसे शादी कर लूँ, मेरी भी जिंदगी सवर जाएगी और तुम्हारा भी खंडर बस जाएगा। अच्छा सुनो, तुम्हारे घर पे कौन कौन है? मेरे तीन भाई हैं। तीन भाई? कौन? अनिल कपूर। अनिल कपूर? क्यों उसके बाल नहीं देखे? अच्छा अच्छा। हाँ। और नाना पाटेकर। नाना पाटेकर? क्यों शक्ल नहीं मिलती? तीसरा कौन है? शेखर सुमन। शेखर सुमन तुम्हारा भाई ओइंट नहीं सकता। कुछ बच्चे नलायक भी निकल आते हैं। अच्छा सुनो, ये तीनों घर पे ही रहते हैं, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मेरे को लेके चलो ना। चलो ना। अर्चना चलो तुम भी घर चलो, अब ज्यादा देर इंसानों में नहीं रहते।